अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अब्दुल खान। आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने जो इतने जो मेरा जो करियर गया उसके अंदर फर्स्ट टाइम जो है किसी पॉलिटिशियन के साथ में मैं जो है आज की जो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिशियन जो सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल कंडीशन जो चल रही है उसके ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूँ। रीज़न ये है कि उनके जो है मैं देखा हूँ कि मतलब फेसबुक के पेज पे जो कंटिन्यू एक पर्टिकुलर पार्टी को लेके जो उनके कंटिन्यू उनके जो है अपडेट्स आते रहते थे और काफ़ी अच्छे, मतलब आई एम अ बिग फैन, मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनका पॉलिटिकल करियर भी काफ़ी अच्छा खासा है और एक अच्छे लेवल पे जो है पॉलिटिकल पार्टी में वो काम भी कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा जो है उनके बारे में बोल नहीं सकता हूँ, आइए डायरेक्ट उनसे जो है उनसे थोड़ी सी जो गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था मोहम्मद असलम खांडे साहब की, जो शिवसेना में कल्याण शहर तालुका अध्यक्ष अल्पसंख्यक संगठक के पोस्ट पे काम कर रहे हैं और ये शिवसेना के साथ में काफ़ी अरसों के साथ में जुड़े हैं। तो इनका शिवसेना के साथ में जो करियर स्टार्ट हुआ प्लस अभी जो शिवसेना की जो पॉलिटिकल पोजीशन चल रही है, जो पॉलिटिकल इशू चल रही है उसके अंदर इनका क्या मैसेज है लोगों के लिए और ये फ़िलहाल अभी किस एंगल से देखते हैं शिवसेना का और कुछ लोगों ने जो बंड पुकारा उन लोगों को। तो असलम साहब, मैं आपको दिल से शुक्रिया करता हूँ, आपने मेरे लिए थोड़ा टाइम निकला। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम और जय महाराष्ट्र। खान साहब, हम शिवसैनिक जो है सिर्फ आदेश को मानते हैं। मातोश्री से जो आदेश रहेगा वो हमारे लिए हर्फ आखिर रहता है और हम उसी को मानते हैं। तो असलम साहब, देखिए आपने तो डायरेक्ट शिवसेना के पर अभी जो चल रहा है उसके ऊपर अपनी बात स्टार्ट कर दी, बहुत बड़ी बात है। आपने आपका इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरह से पोस्ट है उससे समझ में आता आप काफ़ी कट्टर सैनिक हैं। तो मैं इस बारे में पूछना चाहूँगा, क्या कुछ लोगों ने जो बंड पुकारे और इतने सारे जो नंबर्स वहाँ पर चले गए तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप कुछ? देखो खान साहब, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ये हाई लेवल की बात है, बाकी इतनी उम्मीद है मेरे को कि किसी ने भी कुछ भी बंड पुकारा शिवसेना को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इससे पहले शिवसेना ने बहुत से ऐसे तूफानों को अपने आंग पे झेली है, जैसे नारायण राणे ने किए, राज साहब ठाकरे ने किए, छगन भुजबल ने किए, तो उससे शिवसेना को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। शिवसेना बढ़ती ही गई, क्यों कि महाराष्ट्र के अंदर जब तक के शिवसैनिक जिंदा है, शिवसेना का कार्यकर्ता जिंदा है, जब तक के शिवसेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आप जो इस वीडियो के ज़रिए उद्धव साहब को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? उद्धव साहब को मैं सिर्फ इतना मैसेज दूंगा, साहब पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ में है और शिवसैनिक आपके साथ में है। ये बहुत बड़ी बात है, असलम साहब ने जो बोले हैं कि पूरा मुस्लिम समाज यानी एक पूरी कम्युनिटी के बारे में उन्होंने बोले कि जो है उद्धव साहब के साथ में उनके बराबर उनके पीछे उनको सपोर्ट के लिए खड़ी है, बहुत बड़ी बात है। तो असलम साहब, आपने जो बोले हैं तो क्या हिसाब से लगता है कि मतलब आप जो बोल रहे हो कि मतलब एक पूरी कम्युनिटी उनके साथ में खड़ी है, क्या कुछ वजह है इसके वजह से आपको लग रहा है कि मतलब? बहुत सारी वजह है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र को हैंडल किया है कोरोना के अंदर और लॉ एंड ऑर्डर जैसा उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर रखे, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर मिलेगा नहीं। मेरे सियासी गुरु मरहूम हाजी साबिर भाई शेख, जिला प्रमुख से कामगार मंत्री महाराष्ट्र राज्य, कैबिनेट मंत्री थे, अवकाश भी उनके पास में था। शिवसेना ने कभी जात पात भेदभाव की राजनीति की नहीं है। अगर ऐसा रहता तो हमारे गुरु मरहूम हाजी साबिर भाई शेख ना कभी जिला प्रमुख बनते थे, ना आमदार बनते थे, ना कैबिनेट मंत्री बनते थे। और अभी हाल फिलहाल में अब्दुल सत्तार को भी मिनिस्टर बनाए ना शिवसेना ने, शिवसेना कोटे से आए। बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे कल्याण शहर के अंदर पहला मुस्लिम उप महापौर जावी जवने को बनाया गया। अब बताओ, मेरे जैसे आदमी को कल्याण शहर का तालुका संगठक, छोटा सा आदमी है, मेरे को तालुका संगठक का पद दिया गया। ऐसे कई लोग हैं जिनको शिवसेना ने बड़े बड़े पदों से नवाजा है। अब क्या बताए, शिवसेना कोई जात पात को मानती नहीं है और इधर कोई भेदभाव है नहीं। जो उन्होंने एग्जांपल्स दिए तीन चार लोगों के जो नाम लिए हैं, जैसे कि उन्होंने बताया क्या कैबिनेट मंत्री जो है जनाब
साबिर भाई शेख जो थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, ये सब जो एग्ज़ाम्पल थे कि मतलब उन्होंने बताया कि शिवसेना में जो जात पात को कहीं पे भी एंट्री नहीं है, वहाँ पे जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं होता है। शिवसैनिक जो है हमेशा शिवसेना के साथ में जुड़े हुए, चाहे कोई भी कंडीशन आए, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, शिवसेना के साथ में इतना बड़ा सपोर्ट जो शिवसैनिकों का है क्या वो हिल नहीं सकते। तो असलम साहब, एक छोटी सी बात हम लोग जो है यहाँ से निकलने के पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे माननीय सी उद्धव साहब के लिए और जो शिवसैनिक हैं उनके लिए? मैं साहब को सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगा कि साहब सारे शिवसैनिक पदाधिकारी और मुस्लिम समाज आपके पीछे खड़ा है और वो आपका सपोर्टर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं असलम साहब का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरे छोटे से चैनल जो ABD एम्पायर है, जो अभी स्टार्टअप कर रहा है, उसके अंदर उन्होंने अपना इतना बड़ा एक मैसेज दिए। और ये दुआ करता हूँ कि ये हमारा जो वीडियो, हमारा जो मैसेज जो असलम साहब ने दिए हैं मेरे वीडियो के थ्रू, कि ये कहीं ना कहीं वाया होते हुए जो उद्धव साहब तक पहुँचे। और कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। सलाम अलैकुम। जय हिंद जय महाराष्ट्र। जय हिंद जय महाराष्ट्र।